अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा व्लॉग है, ये हमने यूनिवर्सिटी जाने का प्रोग्राम बनाया था। रोज़ा था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कुछ दिनों से हम यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे थे और लेक्चर बहुत ज़्यादा मिस हो गए थे। मैंने और भाई उस्मान ने प्रोग्राम बनाया कि चलते हैं लेक्चर लेते हैं। हमने बाइक निकाली और यूनिवर्सिटी की तरफ निकल पड़े। और यहाँ से हमने शहर तक, गाँव से शहर तक बाइक पर जाना था। वहाँ पहुँच कर हमने बाइक खड़ी की और बस का इंतज़ार किया। जैसे बस आई, रश बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमें आगे जगह मिली बैठने के लिए और हम अपने रास्ते की तरफ निकल पड़े। भाई उस्मान ने तो गर्मी की वजह से कैब ली हुई थी, लेकिन मुझे कैब लेना याद ना रहा क्योंकि जल्दियों में प्रोग्राम बना, वैसे ही निकल गए थे। तो सारा दिन मैंने अपने आप को कोसा कि क्यों नहीं बक ली कैब, और गर्मी की वजह से रोज़ा था। ऊपर से घर से जब निकले तो मौसम कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही शहर पहुंचे और बस पकड़ी तो धूप ज़्यादा हो गई थी। बस ने हमें शहर से यूनिवर्सिटी तकरीबन 1 घंटे में पहुंचाया। यूनिवर्सिटी उतरे तो कुछ लोग बस का इंतज़ार कर रहे थे, जिन्होंने वापस के लिए जाना था, जो मॉर्निंग टाइम के थे। हमारी क्लास इवनिंग में थी, इसलिए हमें धूप में जाना पड़ता था और धूप में ही वापस आना पड़ता था। यूनिवर्सिटी एंटर हुए तो पता चला जी, यूनिवर्सिटी तो आवाम ही बहुत ज़्यादा कम है और सारी यूनिवर्सिटी सुनसान है। एक दफ़ा तो दिल में थोड़ी सी बोरियत आई और अफसोस हुआ कि हम भी ना आते, ऐसे ही आए हैं। लेकिन फिर सोचा कि हम सब अपने लिए आए हैं, अपनी पढ़ाई के लिए आए हैं। जब यूनिवर्सिटी एंटर हुआ था, मैं एक दोस्त मिला हमारा, जो कि भाई सुमान का क्लास फेलो था। तो हमने उसे थोड़ी देर तंग करना शुरू किया और वो भागने लग गया कि नहीं, मेरी वीडियो ना बनाओ, मुझे ना तंग करो। लेकिन मैंने उसका पीछा बड़ी मुश्किल से छोड़ा और उसने कहा कि अपना लेक्चर लेक्चर ले लें। फिर मैं अपनी क्लास में गया, लेक्चर ले आया। लेक्चर ले कर निकले तो यूनिवर्सिटी में कोई बंदा बशर नज़र नहीं आ रहा था, बहुत ही कम लोग आए हुए थे आज। फिर हमने अपने कैफ़े में जाके देखा, जो कि डोम्स का कैफ़े था, लेकिन डोम्स कैफ़े में पहले तो बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था और आज कोई शख्स हमें डोम्स कैफ़े में नहीं दिखा। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हमने बैठने के बजाय वापस जाने का इरादा किया और हम यानी कि गेट की तरफ और बस स्टॉप की तरफ चल दिए। रास्ते में हमें आईटी डिपार्टमेंट दिखाई दिया और आईटी डिपार्टमेंट के सामने कोई कार्स और बाइक्स खड़ी हुई थी। तो हमने कुछ हौसला हुआ कि नहीं, यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चे आए हुए हैं। तो जब हम गेट की तरफ जा रहे थे तो भाई इस्माइल को कॉल आ गई थी दोस्त की कि वापस आओ, एक लेक्चर लेना है एक और। तो वो वापस चला गया और मैं आईटी डिपार्टमेंट में छोटा सा काम था वो किया, फिर नमाज़ पढ़ने चले गए हम। उतनी देर में वो लेक्चर लेके आ गया था। वहाँ पे जाके अल्लाह का ज़ोर पेश हुए, नमाज पढ़ी और नमाज़ पढ़ के वापसी के लिए निकले। जब हम मेन गेट के करीब पहुँचे तो वहाँ पर जो सनसेट था वो बहुत प्यारा मौसम क्रिएट कर रहा था, व्यू बहुत प्यारा था। और साथ में यहाँ पर बहुत ही सुनसान था, यानी कि यूनिवर्सिटी सारी आज टोटल सुनसान थी। कोई बच्चा, बड़ी मुश्किल पूरी यूनिवर्सिटी में 500-600 बच्चा आया होना। इसके साथ हम यूनिवर्सिटी बाहर निकले और यूनिवर्सिटी को बाय बाय की। जैसे ही हम यूनिवर्सिटी की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तो हमें बस दिखाई दी कि बस आ रही है। तो हम फौरन बस की तरफ भाग गए और वीडियो शूट करनी जहन से निकल गई। तो हम फिर बाइक पकड़ी आकर सिटी से अपने गांव की तरफ चल दिए। और रोज़े से थोड़ी देर पहले जब सूरज बहुत प्यारा लग रहा था, सनसेट, हम अपने गांव पहुंचने के करीब थे। तो भाई उस्मान ने कहा कि आज तो बहुत ज़्यादा रोज़ा लग गया है, आज तो रोज़े की वजह से बस हुई पड़ी है। इसके साथ हमारा व्लॉग ख़त्म होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ। उस वक्त के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।